रेल मंत्री सुरेश प्रभु की जल्द ही नए लुक में नजर आएगी रेल। रेलवे अपने मौजूदा डिब्बों में तमाम बदलाव करने जा रहा है। नई कलर स्कीम, नए बदलावों के साथ बेहतर सुविधाओं से लैस ऐसे ही डिब्बों को राजधानी दिल्ली में भोपाल से लाया गया। रेलवे की इस चमचमाती और खूबसूरत बोगी को देखकर आप हैरान रह गए होंगे, लेकिन हैरान मत होइए। अपनी पसंदीदा चैनल पर आप जो कुछ देख रहे हैं, जल्द ही ये आपके रेलवे सफर का हिस्सा बनने वाला है। जरा एसी 2 का जायजा लीजिए। सीट के रंग से सब कुछ बदला बदला हुआ है, पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक और आरामदायक। इस बदलाव में सबसे अहम पहलू है सीट के बीचों बीच फोल्डिंग टेबल का विकल्प। खाना खाना है या कुछ है तो उसके लिए अलग तरीके से आपको जगह दी जाती है, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर अलग स्पेस दिया गया है और इसी में बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर जब अगर कुछ आपको लेना है तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है और इसी पर आसानी से आप अपना खाना रख कर खा सकते हैं। यही नहीं, अपर बर्थ पर जाने के लिए सीढ़ियाँ पहले से कहीं आरामदायक बनाई गई है, तो साइड बर्थ के मुसाफिरों के लिए बैठने और सोने का विकल्प भी काफी आसान कर दिया गया है। यहाँ पर एक और बदलाव है जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। इसको यहाँ पर अगर कोई आदमी बैठना चाहे तो उसके लिए ये इंजाम है कि आप आसानी से इसको स्लाइड करके और वापस जो है जब इसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं पीछे करके इस पर आसानी से बैठ सकते हैं। कोच में मोबाइल चार्जर के पहले से ज्यादा ऑप्शंस हैं, तो एक और खास व्यवस्था ये की गई है कि टॉयलेट खाली है या उसका कोई उपयोग कर रहा है, ये जानने के लिए आपको सीट से उठने की जरूरत नहीं। अब आप यहां देखकर जान जाएंगे कि टॉयलेट खाली है या नहीं। मुसाफिरों को सबसे ज्यादा परेशानी टॉयलेट को लेकर होती है, लेकिन इस मॉडल कोच में वॉश बेसिन हो या टॉयलेट, दोनों को अपग्रेड कर दिया गया है। डिब्बे की जगह वाटर गन का विकल्प रखा गया है। ये तो हुई सेकेंड एसी की बात, अब आपको फर्स्ट एसी की खूबसूरती का दीदार कराते हैं। मसलन प्रथम दर्जे के रेलवे कोच को देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। गैलरी में हैंड रेल, पेंटिंग्स, एलईडी लाइट्स, कारपेट पेंट, ये तमाम चीजें आपको अत्याधुनिक सफर का एहसास कराएंगी। फर्स्ट एसी की सीट हरे रंग की रखी गई है। अपर बर्थ के लिए किसी ड्यूप्लेक्स की तरह सीढ़ी बनाई गई है, लेकिन सबसे आकर्षण का केंद्र है ये ऑटोमेटिक कर्टेन। तो खिड़की भी खास तरह की खिड़की लग रही है, यानी आप इसको ऑन करेंगे तो ये रुक जाएगी और जब ऑन करेंगे तो नीचे तक जो है कर्टन है वो नीचे तक जा रहा है और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा कर्टन नीचे तक आएगा और एक आराम से ये ऑटोमेटेड कर्टन है हम कह सकते हैं। एसी वालों के लिए बहुत कुछ है, तो जनरल बोगी का भी खासा ख्याल रखा गया है। चाहे सीटें हों या टॉयलेट या फिर मोबाइल चार्जिंग की सुविधा, सब कुछ मौजूदा ट्रेनों से बेहतर है। अरे लोगों को एक अस्तर से एक एहसास हो कि हम जा रहे हैं तो अच्छी तरह से जा रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि लोगों की शिकायत होती थी सीढ़ी अच्छी नहीं है, तो हमने सीढ़ी इसमें बनाई कि लोग आराम से ऊपर जा सकते हैं। दूसरे हर कंपार्टमेंट हम लोगों ने दो दो चार्जर पॉइंट भी दिए हैं, तो यानी ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान जब हम देखते हैं तो पता चलता है। आपकी कुछ अच्छे सुझाव दीजिए, हम कर देंगे। पुराने डिब्बों में शानदार बदलाव कर इन बोगियों को भोपाल की रेलवे कोच फैक्ट्री में तैयार किया गया है। भोपाल से ऐसी 24 बोगियां सोमवार को रेल मंत्री को दिखाने के लिए दिल्ली लाई गई थी। जल्द ही इन डिब्बों से लैस ट्रेन चलाने की योजना रेलवे की है, लेकिन इस योजना में अड़चन ये है कि 3 टियर एसी के डिब्बों को बनाने के लिए जिस प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया था, उसने अब तक कोई काम नहीं किया है। रेलवे को उम्मीद है कि वो कंपनी भी जल्द अपना काम शुरू करेगी। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। शिकायत इस चिट्ठी में कुणाल की गई है। देखिए चेतन सांघी के बारे में अगर हम बताएं तो DDCA की जो जांच हुई थी, दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, उसके चेयरमैन थे उस समिति के और बहुत खास माने जाते हैं। हम्म।